कैन स्टार्ट करते हैं जी। जी काश आप कुछ कह रहे थे। हाँ आप कुछ कह रहे थे। हाँ आकाश कह रहे थे कि एक दो मिनट वेट कर लेते हैं। चलो कोई नहीं, जो जो पार्टिसिपेंट आते जाएंगे फिर हमारे साथ कनेक्ट होते जाएंगे, हम टाइम जाया नहीं करते ना यहाँ पे। चलें जी, हमने जो लास्ट टॉपिक किया था, हमने लिस्ट को कवर किया था, जो हमने लास्ट टॉपिक थे हमारा। तो आज हम ना नेक्स्ट जा रहे हैं कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था हम डिस्कस करने जा रहे थे। मैम ने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे लिंक लिस्ट को। ठीक है, लिंक लिस्ट। मेरी आवाज क्लियर है, मुझे बता दें। जी आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। चलें ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं जी। बात करते हैं लिंक लिस्ट की, कि लिंक लिस्ट है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिंक लिस्ट बनती कैसे है, लिंक लिस्ट में क्या चीजें होती हैं। जब हम लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन देते हैं तो लिंक लिस्ट में एक जो सिंपल एंटिटी होगी, जिसे मैं कहूँ कि मेरे पास सिंपल एंटिटी होगी, उसके दो पार्ट होंगे। एक मेरा डाटा पार्ट होगा, जो सेकंड पार्ट होगा मेरा डैश पार्ट होगा। जब हम इन दोनों चीजों को एक साथ मिला देते हैं तो हम उसको कहते हैं कि हमने यहाँ पर एक नोड क्रिएट कर लिया है। ठीक है, जब एक डाटा और एक एड्रेस का पार्ट, जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास एक नोड क्रिएट हो चुकी है। हम टर्म इसके लिए यूज करते हैं, ये नोड हम इसे कहते हैं। सिंपली ये है कि जैसे हम देखते हैं कि अगर मैं लिस्ट की बात करता हूँ तो वहां पर जस्ट हमारे पास डाटा पार्ट ही होता है। हम डाटा के साथ डाटा पार्ट ही उनको कंबाइन करते रहते हैं, लेकिन वहां पर हमारे पास कोई ये नहीं होता कि अगर हम देखें तो हमारे पास एड्रेस का नहीं है, एड्रेस उसके बैकएंड ऊपर काम कर रहा है। अब सिंपल ये है कि जब हम डाटा एंड एड्रेस पार्ट को दोनों को देख रहे हैं तो हमारे पास एक नोड है, और जितना भी हमारी लिंक लिस्ट हम देखते हैं डाटा स्ट्रक्चर है जो हमारे पास, ये इसके अंदर जितनी भी हम देखेंगे नोड ही होंगी हमारे पास। अगर ट्रीज में देखेंगे तो वहां पर उसके एड्रेस के लिए हमें दो पार्ट रिक्वायर्ड होते हैं, लेफ्ट और राइट के लिए। उनके जब कनेक्टिविटी करते हैं लेफ्ट और राइट, तो हमें उसके लिए इस साइड पर भी एक एड्रेस पार्ट लगेगा, एक डाटा पार्ट होगा, एक और एड्रेस पार्ट होगा। सेकेंडली, अगर हम नो मैं सिंपली मैं लिंक लिस्ट का पहले इंट्रोडक्शन दे दूं कि नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, अपना नेक्स्ट है हम देखते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास है कौन कौन सी है। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर की मैंने बात तो की है, ये आई थिंक मेरी ना स्लाइड कुछ उल्टी हो गई है, नेक्स्ट जाके ना मैं एक दफा हो जाता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले कि डाटा स्ट्रक्चर की टाइप्स क्या हैं जो सिंपली पढ़ रहे हैं हम। यहाँ पर हम तीन चीजों को देखेंगे, सबसे पहले लिंक लिस्ट हमारे पास, फिर हमारे पास टैग्स हैं, एंड एट द एंड हमारे पास क्यू है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, हमारे पास लिंक लिस्ट क्या होती है, टैग क्या होती है, एंड क्यू क्या होती है। अगर मैं सबसे पहले लिंक लिस्ट की बात करूं तो हमें सबसे पहले एक चीज पता है कि पाइथन हमारे पास टोटली डायनेमिक्स है, डायनेमिक है। ठीक है, स्टैटिक यहाँ पर कुछ नहीं हम कर रहे। तो लिंक लिस्ट जब हम जनरेट करेंगे तो मुझे भी पता है कि जब मैं एक वेरिएबल को क्रिएट कर रहा हूँ लिस्ट के अंदर, ये होता कि एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ तो वो किसी और मेमोरी लोकेशन पे पड़ा होगा। अगर मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ तो वो किसी और बहुत दूर पड़ा होगा, मुझे नहीं पता होगा वो। ये भी हो सकता है उसके करीब पड़ा हो, ये भी हो सकता है उससे काफी दूर पड़ा हो। डायनेमिक में ये होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब लिंक लिस्ट क्रिएट करूंगा, मैं क्रिएट कर रहा हूँ, अब इसमें सबसे पहले एक हेड होता है जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके साथ डिफरेंट टाइप्स की नोड्स हैं, जब इंट्रोडक्शन हम इनको डीपली स्टडी करते हैं आके, कि उसके साथ डिफरेंट नोड्स कनेक्टेड हैं। ये मेरा डाटा पार्ट है, ये मेरे नोड वन, नोड टू, नोड थ्री है, इसका एड्रेस इसे पीछे वाले हेड में स्टोर होगा। अब ये भी आपकी तरफ से क्वेश्चन हो सकता है, ये कनेक्टेड किस तरह होंगी। कनेक्टेड ये इस तरह होंगी कि जो हमारी नेक्स्ट नोड होगी उसका एड्रेस उससे जो लास्ट नोड होगी, प्रीवियस नोड होगी, उसके अंदर स्टोर होगा। तो ये इस वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। अब इसमें ये हो सकता है कि हमें नहीं पता होगा कि ये कहाँ पर एक दूसरे के साथ पड़े हुए हैं। जस्ट हमें नहीं पता होगा कि ये चीजें कहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो सिंपली जैसे मैंने एक नोड क्रिएट की हुई है, वन है मेरे पास, नोड टू है, नोड थ्री है। अभी मैंने कहा ये इसका ना कोई भी मैंने से ना वो दे दिया क्या एड्रेस, हमने इसे मैंने रैंडमली कोई भी जनरेट करवा के देते, मैं कहता हूँ इसका एड्रेस है 129 है।
अभी मेरे पास जो नोट टू थी उसका मैंने क्या 119 है, ये नोट थ्री थी ये 113 है जी। एज इट इज एग्जैक्ट नहीं होंगे, ये डिफरेंट हो सकते हैं, टोटली डिफरेंट होंगे भी, क्योंकि ये मैंने खुद से जस्ट सिलेक्ट किए हैं कि ये मेमोरी डेस्क हो सकते हैं खुद से। अभी जी हमारे पास ये सिंपल लिंक लिस्ट है, अगर किसी को कुछ क्लियर नहीं हुआ तो वेट करें, नेक्स्ट टाइम लिंक लिस्ट को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट जो डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास स्टैक है। स्टैक में ये होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट का कंसेप्ट होता है। यहाँ पे सिंपली ये मेरी नोड वन है, नोड टू है, नोड थ्री, नोड फोर, नोड फाइव, नोड सेवन है। अभी यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले नोड वन होगी, नोड वन के ऊपर ये आई थिंक ये मिस्टेक हो चुकी है, ये नोड टू होगी हमारे पास, ये नोड थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। अब देखेंगे यहाँ पर भी हमारे पास सिंपली वही नोड ही है ये जो लगी हुई है। अब यहाँ पर क्या कंसेप्ट जो हो रहा है, स्टैक के अंदर हमारे पास पहली नोड है उसके ऊपर दूसरी नोड पड़ी हुई है, लेकिन ये भी हमारे पास इसी तरह है कि एक नोड है उसके साथ दूसरी नोड पड़ी हुई है। अभी यहाँ पर ना मेरे नजदीक एक और यहाँ पर क्वेश्चन जनरेट हो जाता है कि जब हमारे पास लिंक लिस्ट पड़ी हुई है उसमें भी हम नोड्स को यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज करवा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास नोड्स हैं वो जस्ट एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई है, यहाँ पर डिफरेंस क्या है? ये हमारे पास टोटली है ये नोड्स ही हैं, ये डाटा स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं कि लिंक लिस्ट ही है, जस्ट द वे ऑफ प्रेजेंटेशन चेंज कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि कुछ जगह पे हम देखते हैं कि जहां पर यूटिलाइज करवानी, हमने लिस्ट को यूटिलाइज करवाना चाहते हैं, कहीं लिंक लिस्ट यूज हो रही है तो वहां पर हम लिंक लिस्ट देखते हैं। अगर देख रहे हैं कुछ जगह पर हमारा स्टैक के साथ काम अच्छे तरीके से हो रहा है, एफिशियंट हो रहा है, तो वहां पर हम स्टैक का वे यूज कर लेते हैं, ये एक जस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसके साथ हम देखते हैं कि क्यू, अब क्यू भी एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, जैसे ये आप ये भी आप कह सकते हैं कि ये भी सेम है, लिंक लिस्ट भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन अब देखेंगे लिंक लिस्ट के अंदर मैं ये कनेक्टेड हूँ एक दूसरे के साथ, कनेक्टेड हम एक दूसरे के साथ, एक दूसरे साथ कनेक्टेड हम यहाँ पे। अब क्यू के अंदर थोड़ा सा स्नैडियो चेंज हो जाएगा, क्यू के अंदर जो होगा कि जो फर्स्ट इन होगा वही फर्स्ट आउट होगा। अगर इसकी सिंपल मैं रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूँ तो ये बैंक की एग्जांपल है हमारे पास, कि अगर वो एक वन रो बनाई हुई है कितार है तो उसमें क्या होगा, जो पहले आता है वही पहले उसका काम होता है, जो उससे लास्ट बाद में आएगा उसका उसके बाद में होगा, ये नहीं होगा कि जो बाद में आ रहा है उसका पहले हो जाए, ये एक रो के अंदर जब होंगे। लेकिन स्टैक के अंदर क्या होता है हमारे पास, जो सबसे लास्ट पर आएगा वो सबसे पहले निकलेगा, उसका काम सबसे पहले हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर स्टैक और क्यू का ये डिफरेंस है। इंट्रोडक्शन में किसी को इन चीजों में कोई कंफ्यूजन तो काइंडली क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा सर एक क्वेश्चन था लिंक लिस्ट पे हेड के बारे में, लाइक आपने जो बताया ना कि हेड होता है तो क्या, आकाश सॉरी लिंक लिस्ट को हम डिस्क्राइब आगे कर रहे हैं, लिंक लिस्ट के अलावा पूछ ली चीजें आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे नेक्स्ट, अगर नहीं होंगे तो एट द एंड आप कर लीजिएगा। फर्स्ट लिंक लिस्ट में ये थोड़ा सा था, चलिए बाद में देख लेते हैं। ठीक है वो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ अगर कोई इशू हो। ठीक है अब्दुल्ला आप कुछ पूछ सर, ये जो स्टैक बना हुआ है इसके लास्ट नोड पर नल नहीं पड़ा होना चाहिए, वो क्यों नहीं पड़ा? ये ना थोड़ा सा हम लास्ट नोड के ऊपर नल नहीं पड़ा होगा, वो क्यों नहीं हो, नल आप किस सेंस में कह रहे हैं? तो यहाँ पर देखें कि जो हम कर रहे हैं ना, ये जस्ट मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दी है, यहाँ पर उसका कंसेप्ट नल का ही होगा, जब एट द एंड हम इनको चेक करेंगे, जब हम इनको डिफाइन करेंगे ना स्टैक को इनकी प्रेजेंटेशन, जी जस्ट सिंपली मैंने डायग्राम बना दी हुई है कि जस्ट हमें इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अभी आप स्टैक और क्यू की जो इन डीप डिस्कशन है उसके ऊपर अभी ना जाएं, अभी हम लिस्ट लिंक लिस्ट के ऊपर रहते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टैक को करेंगे तो ये चीजें उनमें कवर हो जाएंगी। अभी मैं चाह रहा हूँ कि मिक्सअप ना चीजें हों, जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इन चीजों का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम देखेंगे लिंक लिस्ट। सबसे पहले क्वेश्चन ये रेज होता है कि व्हाई वी नीड लिंक लिस्ट, हमारे पास लिस्ट है अरे है, हमें लिंक लिस्ट की जरूरत क्यों है? सबसे पहले मैं अरे को डिफाइन करना चाहूँ तो अरे को मैं डिफाइन करता हूँ, उसमें हम ना सेम टाइप की डाटा टाइप रख सकते हैं, जैसे मैं इंटीजर को रखना चाहूँ तो मैं इंटीजर ही वहां पर सब रख सकता हूँ। नेक्स्ट आ जाता हूँ मैं उसके ऊपर लिस्ट के ऊपर, लिस्ट के अंदर ये कंसेप्ट है कि मैं रख तो सकता हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, जितना मर्जी रख देता हूँ, लेकिन एक तो मेरे पास वो स्लो है एंड सेकेंडली उसमें यह है कि मेरी मेमोरी बहुत ज्यादा ज़ाया हो जाएगी।
अभी अगर मैं उसका सिंपल एक कंसेप्ट देना चाहूँ तो जब वो एक मेमोरी लोकेशन के ऊपर मैंने पहले फाइव इंडेक्स का डाटा स्टोर करवाया, जब मैं सिक्स इंडेक्स के ऊपर डाटा स्टोर करवाना चाहूंगा तो अगर उसके पास उस मेमोरी लोकेशन पर स्पेस ही फाइव की होगी तो वो क्या करेगा, कोई इसी और डाटा लोकेशन पर जाएगा और वहां पर जाके वो चेक करेगा कि इसके ऊपर सिक्स के लिए उसको स्पेस मिल रही है तो वहां पर चला जाएगा। तो ये देखें कि स्लो होगी जब एक जगह से दूसरी जगह डाटा को कॉपी करेगा, तो इस मामले में भी स्लो है। अभी लिंक लिस्ट का क्या कंसेप्ट है, जहां पे हम देखते हैं कि इसी वजह से हम एक नया कंसेप्ट हम कह सकते हैं क्या लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट हमारे पास क्या काम करती है, अब लिंक लिस्ट में ना हमारी एक एंटिटी होती है कि इसको जगह जहां पर भी उसको स्पेस मिलेगी वो अपने आप को वहां पर अकोमोडेट कर लेगी और ये वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होंगी यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि लिंक लिस्ट कैसे हम जनरेट करते हैं सिंपली, ठीक है। लिंक लिस्ट के अंदर सबसे पहले ना दो चीजें होती हैं, मैंने सबसे पहले डिस्कस किया कि एक मेरे पास होगा ये डाटा पार्ट है एंड सेकंडली मैं एड्रेस पार्ट कह देता हूँ, इसको मैं सिंपल ये कह देता हूँ, ये मेरे पास एड्रेस है, ठीक है। अब ना हम यहाँ पर सिंपल देखते हैं कि ये मैंने एक हेड लिया हुआ है, ये मेरे पास नोड चार नोड है मेरे पास, ये मेरा सबसे पहले हेड आ रहा है, हेड के अंदर मैं कह रहा हूँ कि 129 डेट मैंने एड्रेस दिया हुआ है, इसको 119 दिया हुआ है। अभी ये आपने थ्रो आउट दी स्लाइड्स ये रखना है कि ये मेरा डाटा पार्ट है, पहला डाटा पार्ट होगा एंड जो सेकंड होगा मेरा एड्रेस पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। अभी ना अब यहाँ पर एक और चीज आ जाती है कि कुछ मामला में लिंक लिस्ट भी हमें धोखा दे सकती है कि वो ना उसकी मैं कह सकता हूँ कि स्पीड कम हो सकती है, हमारे पास एफिशिएंट नहीं है, वो हम स्नैडियो आगे जाके देखेंगे क्यों नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे ये मेरे पास सिंपल मैं देखूं तो अगर मेरे पास ये मैं यहाँ पे हूँ, हेड मेरा पहले नोड के ऊपर है, लिस्ट के अंदर तो फायदा कि मैं अड़े के अंदर डायरेक्ट मैंने फोर्थ नोड पे जाना तो मैं उसका फोर इंडेक्स लिखूंगा, मैं उसके ऊपर चला जाऊंगा छलांग लगा के डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर ये नहीं होगा स्नैडियो। लिंक लिस्ट के अंदर हमें इनके ऊपर आइट्रेट करवा कर हर एक के ऊपर तब भी हम लेन नोड फोर पर आ सकते हैं, डायरेक्टली हम जंप आउट नहीं कर सकते कहीं भी, किसी एक नोड को स्किप किए बगैर हम नेक्स्ट नोड के ऊपर नहीं जा सकते, हमें उस पार्टिकुलर जो नोड को चेक करके फिर उससे आगे आना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले हमारा यूज करते हैं हेड का कंसेप्ट। अब हेड हम क्यों यूज करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है जो आपको पूछना चाहिए था। हेड हम क्यों यूज करते हैं कि हेड हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट है हमने नोड लिंक लिस्ट को स्टार्ट करने का, हम हेड के जरिए ही पूरी लिंक लिस्ट के ऊपर आइटरेट करवाएंगे एंड सेकंडली ये है कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो हेड होगा। हेड क्यों है, अब देखिए अगर ना मैं ये करूं, मैं ये भी हो सकता है मैं हेड के बगैर भी कर सकते नहीं कर सकते, अगर मैं ये करना चाहूं कि ये मैंने सिंपल एक ये लिया नोड ली हुई है ये ली एक और नोड ली ले ली, अगर मैं ये मेरे पास यहाँ पर टू पड़ा हुआ है यहाँ पे टू पड़ा हुआ है यहाँ पे वन पड़ा हुआ है, अगर इनका एड्रेस भी मैं इसी के अंदर स्टोर करवा दूं इसी के अंदर कनेक्ट करवा दूं तो मैं इन दोनों को कनेक्शन किस तरह क्रिएट करूंगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे होंगे, ये प्रॉब्लम हो सकते कि नहीं हो सकती एनीवन। लाइक सर आप ये कह रहे हैं कि हम एड्रेस भी स्टोर करवा रहे हैं एक का दूसरे में और दूसरे का पहले में, मींस वो कनेक्ट तो हो गए जी, तो आप कह रहे हैं कि इनको हम कनेक्ट कैसे करवा सकते हैं, मैं कह रहा हूँ कि कनेक्ट हो गए। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं क्वेश्चन पूछ रहा, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने खुद से यही क्वेश्चन किया है कि हेड की हमें जरूरत क्यों है, हम सिंपल अगर उसी के साथ उसी का एड्रेस स्टोर करवा दें, तो मैं ये आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अगर मैं ऐसा करना चाहूँ तो क्या कोई वे है इनको कनेक्ट करने का एक दूसरे के साथ कि मैं इसके लिए इसके ऊपर आ सकूं। वो चैट में भी कह रहे हैं कि वो सर्कुलर क्यू बन जाती है, वो तो लाइफ है अब्दुल्ला, आप जस्ट खुद को लिंक लिस्ट के ऊपर रखें, हम किसी और चीज के ऊपर अभी नहीं जा रहे और सर्कुलर क्यू नहीं बनेगी, वो भी नहीं है, इसका आंसर नहीं है। सिंपली हम इसके ऊपर जा नहीं सकते हैं क्योंकि इस चीज का कनेक्शन इसके साथ है ही नहीं है, ये किसी और मेमोरी लोकेशन पे पड़ा हुआ है और ये किसी और दूर की मेमोरी लोकेशन पे पड़ा हुआ है, वो एक दूसरे को पता ही नहीं एक दूसरे का। हेड की हमें यहाँ पर इसलिए जरूरत पड़ती है कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट अपना हेड एक पॉइंटर क्रिएट किया हुआ है, एड्रेस पार्ट है हमारा, इसमें हम ले जाते हैं
हमने हमारी पहली नोड होगी इसका एड्रेस हम हेड में स्टोर करवा लेंगे, और जो हेड के बाद जो हमने नोड क्रिएट की है उसका एड्रेस पार तो एम्प्टी होगा। हम क्या करेंगे, जो अगली नोड होगी उसका एड्रेस हम उससे जो लास्ट नोड होगी उसमें स्टोर करवाएंगे, फिर जी हमारे पास नल हो जाता है, हम इससे आगे वाले का एड्रेस यहाँ पर स्टोर करवा देंगे, फिर यहाँ पर हम उससे आगे वाले का एड्रेस स्टोर करवा देंगे। एट द एंड जो हमारा होगा जब वो हम इसको एंड कर रहे हैं तो लास्ट जो हमारा होगी नोड उसका जो नेक्स्ट होगा वो हमारे पास नल होगा, क्योंकि उससे आगे हमें ये हमारा एंडिंग पॉइंट है कि नल एंडिंग पॉइंट होगा। अब ये हम इस जो एड्रेस पार्ट को कैसे यूटिलाइज करवा रहे हैं, एंड जो थर्ड क्वेश्चन जो थर्ड चीज थर्ड थिंग ये है कि हम इनके अंदर जो कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं वो किस बेस के ऊपर कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें हेड की क्यों जरूरत थी, सेकेंडली क्वेश्चन मैंने खुद से किया था अपने आप से ही कि हम इनके दरमियान कनेक्शन कैसे क्रिएट करवा रहे हैं, एंड थर्ड क्वेश्चन ये था कि हम जो एड्रेस पार्ट है नोड के साथ जब पीछे वाले दिन इसको कैसे यूटिलाइज करवा रहे हैं। ये तीनों क्वेश्चन क्लियर है सबको? मुझे सर हेड वाला अभी भी क्लियर नहीं है, उसकी समझ नहीं आ रही कि उसे हम क्यों क्रिएट करवा रहे हैं। आपने बताया भी है लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रही, आप इसको एक बार रिवाइज कर देंगे? ठीक है, देखिए अगर ना मैं सिंपल ये देखता हूँ कि ये मेरे पास डाटा पार्ट है या एड्रेस पार्ट है, मैंने लास्ट वाली नोड का उससे पीछे वाली एक नेक्स्ट नोड का पीछे वाली नोड के अंदर एड्रेस को स्टोर करवाना है, तो मैं क्या किया, टू का एड्रेस मैंने लेट किया 119 है। अब जो इसके पास जो डाटा पार्ट है मैंने इसका एड्रेस भी तो कहीं स्टोर करवाना है ना, उसके लिए मैं एक पॉइंटर बना लेता हूँ हेड का, इसका एड्रेस मैं उसके अंदर स्टोर करवा देता हूँ, जस्ट यही कहानी है हेड की। अच्छा ओके ओके सर, चलिए बाकी सबको अगर क्लियर होगा तो फिर मैं नेक्स्ट चलूं जाऊं। जी सर क्लियर है मुझे तो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिंक लिस्ट के कुछ मेथड्स हैं जो कि हम पढ़ते हैं, मेथड्स देखते हैं जैसे कि लिस्ट के अंदर बहुत से बिल्ट इन है, पेंड का, इंसर्ट का, बहुत से मेथड्स हैं उसके। यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं जो डिफाइन करते हैं खुद से, डिलीट एंड इंसर्ट, मैंने ऑलमोस्ट सब मेथड इन्हीं में कवर कर दिए हैं। डिलीट मैंने सिंपल दो मेथड लिए डिलीट एंड इंसर्ट का, बाकी चीजें इनके अंदर रखे, डिलीट फ्रंट से कैसे करेंगे, एंड से कैसे करेंगे, किसी पार्टिकुलर पॉइंट से कैसे करेंगे, किसी पार्टिकुलर एंड उससे कैसे करेंगे, इसी तरह इन फ्रंट एंड एंड एनी इंसर्ट के साथ में है। यानी सबसे पहले हमने देखते हैं कि इंसर्ट करते हैं फ्रंट के ऊपर, हम फ्रंट के ऊपर कुछ कैसे करेंगे। ये स्टार्ट के ऊपर साथ साथ मैंने एक कोड भी दिया हुआ है कि सबसे पहले जी फ्रंट हमने मैंने कुछ न्यू नोड को इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा यह है कि मुझे सबसे पहले एक न्यू नोड क्रिएट करनी पड़ेगी, तो ये मैंने लिखा न्यू नोड इक्वल टू नोड इनटू न्यू डाटा, ये मैंने एक न्यू नोड क्रिएट कर ली। यहाँ पे ये मेरे पास एक न्यू नोड क्रिएट हो चुकी है, उसकी डाटा में मेरे पास 12 है, एंड जो उसका नेक्स्ट होगा वो नल होगा। ठीक है, अभी मैंने नेक्स्ट क्या किया हुआ है, मैंने किया न्यू नोड का नेक्स्ट, न्यू नोड का एक मिनट, ये मेरी न्यू नोड मैंने इसको उठा के यहाँ पे ले आया हूँ कनेक्शन के लिए, ताकि ये मैंने जस्ट समझाने के लिए कि जब ये लाइन सबसे पहले ये लाइन कंपाइल होगी तो ये चीज क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद मैंने ये किया है न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, ये पाइथन का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, न्यू नोड का नेक्स्ट ये है मेरे पास, ये है, इसको मैंने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, हेड के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मैंने इस इक्वल रख दिया इन दोनों को, तो 129 हेड से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर नल खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 129 आ जाएगा, ऐसे ही होगा। जी सर ऐसे ही होगा, नल की जगह पर 129 आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट देखते हैं कि हमने जो लिखा हुआ है नेक्स्ट, हमारे पास मैंने क्या किया कि सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू न्यू नोड, मैंने इस हेड को उठा के इस न्यू नोड के इक्वल रख दिया, जो मेरे पास ये न्यू नोड है इसके इक्वल रख दिया, तो क्या होगा, जो न्यू नोड का एड्रेस होगा
वो वो किसकी सेल्फ क्यों? डॉट हेड में। जी जी सर, क्या पूछ रहे थे आप? नहीं पूछ नहीं रहा मैं आपसे, आपसे पूछ रहा हूँ कि यही होगा जो न्यू न्यू नोड का एड्रेस होगा वो हेड के अंदर स्टोर हो जाएगा जब ये लाइन कंपाइल होगी। अच्छा मेरा आपसे यही क्वेश्चन है नेक्स्ट कि यहाँ पर हो सकता है मैंने यहाँ पे गलत लिखा हो, यहाँ पर ये इसने मैं यहाँ पर एड्रेस ही क्यों स्टोर करवाया जब मैं न्यू नोड का लिख रहा हूँ तो उसने मुझे ये वैल्यू क्यों क्यों नहीं स्टोर करवाया यहाँ पे हेड के अंदर। क्योंकि हेड में ना हम एड्रेस दे रहे हैं उसका, जो कि हमने दूसरे जो है ना नेक्स्ट नेक्स्ट नोड में हमने एड्रेस स्टोर करवाना है, सिंपल इस वजह से। नहीं तो एनी ऑथेंटिक आंसर एनीवन, इसने यहाँ पर एड्रेस ही क्यों स्टोर करवाया इसका जब मैंने ये किया तो? नहीं इनके दरमियान कनेक्शन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। तो नहीं, वो तो कनेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर एड्रेस ही क्यों स्टोर होगा इसका हेड के अंदर? जी बिल्कुल, क्योंकि हेड मेरे पास एक पॉइंटर है तो पॉइंटर के अंदर उसका एड्रेस ही स्टोर हो जाएगा। फ्रंट के ऊपर लिंक्ड लिस्ट इंसर्ट करना आपको क्लियर होगा कि कैसे हम कर रहे हैं, सिंपली कि हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि न्यू नोड को क्रिएट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। नेक्स्ट मैंने क्या किया, न्यू नोड को नेक्स्ट को हेड के इक्वल रख दिया, हेड की जो एड्रेस था वो न्यू नोड के नेक्स्ट को दे दिया। अब ये जो एड्रेस था यहाँ पर आ जाएगा 129, और मैंने नेक्स्ट क्या किया इस हेड को उठा के मैं यहाँ पर ले आया। अब मैं सिंपली देखूँ तो ये देखिए मेरे पास एक कनेक्शन बन गया, ये हेड यहाँ पे है फिर ये इसका इधर से जहां पर कनेक्शन बन रहा है और ये नेक्स्ट हमारा कनेक्शन वैसे का वैसा ही है। अगर आपको फ्रंट का क्लियर है तो हम नेक्स्ट देख चलें। जी यहाँ देख तो क्लियर है। चलें हम नेक्स्ट देखते हैं। हम अपने अब देखते हैं कि इंसर्ट एट एंड, ठीक है यहाँ पर मैंने एक चीज मैंने आपसे पूछनी थी जो कि मैंने यहाँ पर खुद नहीं लिखी हुई, मुझे साथ साथ ये बताते नहीं इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी इन फ्रंट पे ऐड करने की। सर कॉन्स्टेंट ही होगी। साथ में रीजन भी बता दें मुझे कॉन्स्टेंट क्यों होगी। क्योंकि हम सिंपली इधर एड्रेस कॉपी कर रहे हैं और ट्रैवर्स नहीं कर रहे, इसलिए। बिल्कुल, हम जस्ट फर्स्ट टाइम में हम अपना काम कर रहे हैं इसलिए हमारी कांस्टेंट होगी। हम नेक्स्ट देखते हैं कि इंसर्ट एट एंड पे क्या होगा, हमने एंड पे इंसर्ट करना चाहते हैं नोड को उसके ऊपर क्या हम करेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले मैंने एक न्यू नोड को क्रिएट किया क्योंकि मैं सबसे पहले न्यू नोड को क्रिएट करूंगा, मैं न्यू नोड को यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब मैंने क्या कर लिया, अब मैं एट दी एंड ब्लॉक एंड पे ना उसको ना स्टोर को ऐड करना चाहता हूँ। इसके अंदर हमारे पास दो कंडीशन है, पर हमें ये नहीं पता कि यूजर ने जो लिंक लिस्ट दी हुई है उसके अंदर कुछ है भी या नहीं है। ठीक है, अब देखता हूँ मैं दो कंडीशन मेरे पास, मैंने दो कंडीशन यहाँ पे यूज की हुई है। सबसे पहले ये कंडीशन हो सकता है हमारा हेड ही नल हो, वहां पर जस्ट हमारा हेड नल पड़ा हो उसके अंदर कुछ भी ना हो तो तब क्या होगा। सेकंडली अगर हमारे पास लिंक लिस्ट पहले से दी हुई है तो तब क्या होगा, हम दोनों चीजों को देखेंगे कि दोनों सिनेरियो में हमारे पास क्या काम होगा। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो हेड होगा वो नल होगा तो तब क्या होगा। जब मेरा हेड नल होगा तो मैं क्या करूंगा, इफ सेल्फ डॉट हेड इज नन, मैंने ये कंडीशन चेक की, अगर ये मेरा हेड नन होगा, अगर मैं लेट किया कि यहाँ पर मैं लेट करता हूँ मेरा हेड नल पड़ा हुआ है, ठीक है तो क्या होगा, सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू न्यू नोड, मैं क्या करूंगा जो न्यू नोड का एड्रेस होगा सिंपल उस हेड के अंदर स्टोर करवा दूंगा। तो ये क्या होगा, हेड के अंदर इसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा जी, मेरी एक लिंक लिस्ट तैयार हो जाएगी जस्ट एक नोड के साथ, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, यहां पर इसकी बात खत्म हो जाएगी। मेरे पास दूसरी ये कंडीशन है कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो लिंक लिस्ट ने एक दी हुई है, गिवन लिंक लिस्ट है, उसके अंदर मैंने एट दी एंड स्टोर करवाना चाहता, ठीक है उसके लिए सिनेरियो हम देख लेते हैं, उसके लिए क्या सिनेरियो यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मैंने क्या किया अपना, यहाँ पर एक और मैंने एक टेम्प यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन ये होता है कि मैं टेम्प को यूज क्यों कर रहा हूँ। अब ना अगर मैं अपने हेड को लेकर आइटरेट करवाता जाऊंगा ना, जब मैं हेड को लेकर ना यहाँ से यहाँ पे हेड को ले आऊंगा तो इसका इससे पता क्या होगा, इस मेरा इस लास्ट नोड के साथ कनेक्शन खत्म हो जाएगा।
इस लास्ट नोड को मेरे पास एक्सेस पॉइंट खत्म कर दिया मैंने, तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या कहते हैं कि टेम्परेरी वेरिएबल, सॉरी एक टेम्परेरी पॉइंटर को क्रिएट करते हैं हम, उसकी हेल्प के जरिए आइटरेट करवाते हैं सबके ऊपर, इन सबके ऊपर आइटरेट करवाएंगे। हमारा हेड वहां का वहीं रहेगा, लेकिन हम जो आइटरेट करवा रहे होंगे वो हमें जस्ट एक टेम्परेरी वेरिएबल, सॉरी टेम्परेरी पॉइंटर लेंगे, उसके जरिए हम इनको ना आइटरेट करवाएंगे। मैंने सबसे पहले क्या किया, टेम्प इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, मैंने क्या किया मेरा हेड भी यहाँ पे है, टेम्प भी यहाँ पे ले आया, दोनों का सेम एड्रेस होगा, एक ही जगह पे पड़े हुए हैं। मैंने क्या किया वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट, जब तक टेम्प के नेक्स्ट में कुछ है तो क्या करें, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, अभी इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है। वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प डॉट नेक्स्ट में क्या पड़ा, 119 पड़ा हुआ, कंडीशन मेरे पास जहाँ पे ट्रू है, क्या हो टेम्प यहाँ से उठ के जहां पे आ जाएगा टेम्प डॉट नेक्स्ट में चला जाएगा, दोबारा ये कंडीशन ट्रू होगी, ये यहाँ पे आ जाएगा, दोबारा कंडीशन ट्रू होगी, ये यहाँ पे आ जाएगा नोड फोर पे। अब नोड फोर के बाद जब ये टेम्प डॉट नेक्स्ट चेक करेगा तो इसका नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे नल पड़ा हुआ है, ये वाली कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अब ये लूप से बाहर आ जाएगा, अब लूप के बाद वो क्या करेगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प डॉट टेम्प का नेक्स्ट ये है, ये देखिए टेम्प का नेक्स्ट मेरे पास ये है, तो क्या करेगा इक्वल टू न्यू नोड कर देगा, न्यू नोड के साथ कनेक्ट करेगा तो न्यू नोड का एड्रेस 102 है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर वो जस्ट चेक, अभी यहाँ पर नल पड़ा हुआ है, जब हम इसके साथ इसका कनेक्शन क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, तो 102 यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस, और इन दोनों के अंदर कनेक्टिविटी हो जाएगी, और मेरे पास जो न्यू नोड का जो हमने इसको पहले ही हमने नल किया हुआ है, तो ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। एनी कंफ्यूजन, हमने एट द एंड कैसे ऐड किया है नोड को? जी सर क्लियर है। चलें जी, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो सिंपल साथ वो भी हो गए, घबराए ना यहाँ पे, तो आप काइंडली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है ये भी हेड पे हमने वैल्यू स्टोर करवाई थी जो हमारे पास न्यू वेरिएबल था, तो उसका क्या बना, कौन सी हेड के अंदर हमने वो टेम्पररी पॉइंटर था ना, वो तो साथ साथ अपडेट हो रहा था, ये टेम्पररी पॉइंटर था, ये साथ साथ अपडेट हो जाएगा। अगर हमारे पास इफ सेल्फ डॉट हेड इज नन, मतलब जब हम वहां पे फर्स्ट वे हमारे पास नोड क्रिएट होगा, इस वजह से नहीं, आकाश आप ना ये हो रही है, ये जो इधर दिया हुआ ना ये एक अलहदा सिनेरियो है, ये इतना एक अलहदा सिनेरियो है ये चीज, और ये जो बाकी एक अलहदा सिनेरियो है, अगर ये सिनेरियो के जब मेरा हेड नल होगा तब ये काम होगा, ये वाला काम होगा, ये सिनेरियो उसके ऊपर ये कोड तब काम करेगा जब मेरा लिंक लिस्ट दी हुई है तब ये काम करेगा, ये डिफरेंट सिनेरियो है, ये डिफरेंट सिनेरियो सर, समझ आ गई है मुझे, ठीक है। वो इसका इसके साथ कोई तल्लुक नहीं है, कनेक्शन नहीं है, ये एक अलहदा चीज है, ये पूरा अलहदा वो कंसेप्ट है जहाँ पे दिया हुआ। जी ओके सर। नेक्स्ट हमने देख लिया, फ्रंट पे कर लिया, एंड पे कर लिया, अगर यूजर किसी पार्टिकुलर नोड के ऊपर करवाना चाहता हो, के वो चाहता है कि इस नोड के बाद करवा दो, नोड टू के बाद एक और नोड ऐड करे, उसको नोड थ्री के साथ कनेक्ट कर दे, के वो चाहता, मैंने सिंपल ये एग्जांपल ऐड किया कि वो ना नोड टू के ऊपर ना कनेक्ट करवाना चाहता है, नोड टू के बाद न्यू नोड हो और वो कनेक्ट हो नोड थ्री के साथ, इसके लिए देखते हैं हम क्या करेंगे। ये सिंपल, जहाँ पर सबसे पहले एज इट इज हमने एक न्यू नोड क्रिएट कर लिया, मैंने इस नोड को मैंने ऐड करवाना चाहता हूँ, ये न्यू नोड मैंने क्रिएट की हुई है, अभी नेक्स्ट क्या होगा। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है ये पिछले सिनेरियो में कि जी ये जब हम इसको लास्ट में ऐड करेंगे अपने पूरी लिंक लिस्ट जो है वो ट्रेवर्स करनी पड़ेगी, आइटरेट करना पड़ेगा, तो फिर इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ऑफ एन होगी। जी बिल्कुल बिग ऑफ एन होगी, ये मुझे सॉरी बोल गया पूछना, आपसे पूछना था मैंने, अच्छा कि आपने बता दिया, इसकी बिग ऑफ एन होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हम ट्रेवर्स कर रहे हैं एक एक आइटरेशन, एक एक सॉरी एक एक हर एक के ऊपर एट द एंड जा रहे हैं, फ्रंट की एंड की बिग ऑफ एन होगी। हम ना इंसर्ट आ जाते हैं, इंसर्ट नोड टू हम करते हैं किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे, मैंने लिया कि नोड टू के बाद इसको इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, कि नोड टू और नोड थ्री के दरमियान जो इंसर्ट हो, तो क्या होता है इसमें देखते हैं।
हम ना यूजर से ना एक प्रीवियस नोड लेंगे, हम ये वाली नोड, मैंने कहा नोड टू का, उसने मुझे एड्रेस दे दिया कि मैं नोड टू के बाद करवाना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिख दिया कि प्रीवियस नोड इज नन। ये भी कंडीशन हो सकती है कि यूजर ने मुझे एक नोड दी हुई है, इसके बाद आगे आपने कनेक्शन करवाना इससे आगे, ये भी पहली कंडीशन है कि वो नोड एग्जिस्ट ही ना करती हो। ये हो सकता कि नहीं हो सकता कि वो नोड एग्जिस्टिंग कर रही मेरे पास? हो सकता है, एक सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, एज अ प्रोग्राम ना हर एक सिनेरियो को लेकर चलना चाहिए, और ऐसा ही चलते हैं हम कि मेरे पास ये कंडीशन मैंने लगा दी, चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास अगर कोई प्रीवियस नोड नहीं है तो उसे वहां पर भी वहां पर प्रिंट करवा दूं, द गिवन प्रीवियस नोड मस्ट बी इन लिंक लिस्ट, के लिंक लिस्ट में होनी चाहिए, और रिटर्न करवा दे यूजर को, बात ही खत्म। अगली दूसरी कंडीशन है कि अगर मेरे पास न्यू नोड, सॉरी जो नोड दी हुई है प्रीवियस नोड है वो मौजूद है, तो तब क्या होगा? उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर तो मैंने ये एक न्यू नोड को क्रिएट कर लिया यहाँ पे, ये बात इधर खत्म। नेक्स्ट हम देखते हैं मैंने क्या किया है। अब ना मेरे पास ये जो प्रीवियस नोड थी ना, ये वाली न्यू नोड है, और ये नोड टू मेरी प्रीवियस नोड है। अभी मैंने क्या करना चाहता हूँ कि ये नोड टू और नोड थ्री के दरमियान उनको लेके आना चाहता हूँ। मैंने क्या किया, न्यू नोड का जो नेक्स्ट था, ये मेरे पास न्यू नोड है, न्यू नोड का जो, ये जो न्यू नोड का नेक्स्ट है, इसके अंदर मैंने क्या स्टोर करवाया, प्रीवियस नोड का नेक्स्ट। अभी आप मुझे बताएंगे ये वाली लाइन, ये वाला एरो काम करेगा कि ये वाला, जल्दी जल्दी बता दें मुझे साथ साथ। न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस नोड का नेक्स्ट। सर फर्स्ट वाला चलेगा एरो लेफ्ट साइड से, फर्स्ट वाला चलेगा। उसमें सिर्फ ये हो रहा है ना कि वो प्रीवियस नोड की जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो उसकी जगह पर न्यू नोड को रख रहा है, तो मेरा ख्याल है कि शायद राइट साइड वाला चलेगा, ये वाला। तो सर क्योंकि वो ना न्यू नोड के नेक्स्ट, मतलब जहाँ पे हम एड्रेस स्टोर करवाते हैं ना, तो उसमें वो स्टोर करवा रहा है जो उसका हमारे पास लास्ट का एड्रेस है, प्रीवियस नोड का एड्रेस है, वो उसमें स्टोर करवा रहा है, ये वाला हमारे पास जहाँ पर ये वाला चलेगा। मुझे नहीं समझ आ रही किसने कौन सा कहा था, ये वाला चलेगा, ये वाला। देखिए न्यू नोड का नेक्स्ट ये मेरे पास ये है, अभी मुझे ये नहीं पता किसने वो, ठीक है, लेकिन मेरा ये पे यहाँ पे ये राइट नजर आ रहा है मुझे, ये राइट है मेरे पे, ठीक है। न्यू नोड का नेक्स्ट मेरे पास ये है, इसके अंदर मैंने क्या किया है, प्रीवियस नोड का नेक्स्ट, प्रीवियस नोड मेरे पास ये है, ये मेरे पास नोड टू मेरे पास प्रीवियस नोड है, ठीक है। इसके नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है, 113, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये जहां पर आ जाएगा। अभी यहाँ पर एक मजे का कंसेप्ट, अभी मुझे ये बताएं कि इस के ये जो इस नोड नोड थ्री के साथ कितनी नोड कनेक्टेड है, इस लाइन को मैंने कंपाइल किया, और मुझे बताएं इस नोड थ्री के साथ कितनी नोड कनेक्टेड इस टाइम पे है, जल्दी से। एक ही कनेक्टेड है अभी, प्रीवियस वाली नोड थ्री उसके साथ कनेक्टेड है। चलें जी, मैम ने कहा कि कनेक्टेड है, एनीवन, आकाश आपने क्या कहा, एक जी एक का है, लाइक नोड थ्री उसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट एनीवन वापस भी मुझे बताते हैं काइंडली, चैट में बता दें मुझे, मैं देख लूं, थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड कर दिया ताकि मेरे पास टाइम का भी होता है इशू। काशिद आप ही एक्सप्लेन कर दें। ठीक है जी, मैं करते जी, आया जी दो, बिल्कुल ये हमारे पास मैम यहाँ पे दो कनेक्टेड हो गई, इसकी रीजन क्या हमारे पास, देखें मैंने कहा ये जो लब जे वाली लाइन मैंने कंपाइल की है, ठीक है, नोड टू और नोड थ्री का कनेक्शन पहले से यहाँ पे है। अब मैंने क्या किया है, ये जो नोड थ्री का एड्रेस था ना वो यहाँ पर स्टोर करवा दिया है। अब ये न्यू नोड भी इसके साथ करंटली कनेक्टेड है, और ये नोड टू भी इसके साथ कनेक्टेड है। इस नोड थ्री का एड्रेस दो नोड के पास पड़ा हुआ है, नोड न्यू नोड के पास भी है, नोड टू के पास भी। अभी मैं करना क्या है, अभी तो मेरी यहां से लेकर यहां ये कनेक्शन क्रिएट हो चुका है एंड ये कनेक्शन क्रिएट हो चुका है, लेकिन मैंने क्या करना था, मेरा कनेक्शन ऐसे होना चाहिए था, यहाँ से न्यू नोड के ऊपर कनेक्शन जाए और न्यू नोड से
नोड थ्री के ऊपर कनेक्शन जाए तो क्या होगा? मैंने क्या किया, ये मेरे पास जो प्रीवियस नोड है इसके नेक्स्ट के अंदर मैंने न्यू नोड का एड्रेस स्टोर करवा दिया। अब क्या होगा, जब मैं न्यू नोड का एड्रेस यहाँ पे स्टोर करवाऊंगा तो क्या होगा, 102 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये इन दोनों का कनेक्शन यहाँ पे खत्म हो जाएगा क्योंकि अब न्यू नोड टू के पास न्यू नोड का एड्रेस है, नोड थ्री का नहीं है। ये कनेक्शन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, अब ये हमारे पास पूरी की पूरी लिंक लिस्ट क्रिएट जहां से होकर जहां तक आ जाएगी। एनी क्वेश्चन ऑन दिस एट एनी? सही बात, अब समझ आ गई। चलें जी हम नेक्स्ट चलते हैं जी। हमने अब यहाँ पर देखिए हमारे तीन सिनेरियो को हमने कवर कर लिया, क्रिएट करने क्रिएट का हमने क्रिएट एट द एंड, क्रिएट एट एनी एंड क्रिएट एट फर्स्ट। अब हम देखते हैं कि डिलीट करना चाहते हैं तो हम डिलीट के लिए क्या करेंगे। अब डिलीट के अंदर भी सिनेरियो हमारे पास वही है कि हमने स्टार्ट से डिलीट करना चाहते हैं तो क्या होगा, ये हो सकता है कि स्टार्ट से डिलीट करना हो। सबसे पहले मैंने लिखा स्टार्ट है ये मेरा, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपली वही किया काम, यहाँ पे एक मैंने टेम्परेरी लिया सेल्फ डॉट हेड को, मैंने टेम्परेरी में स्टोर करवाया। तो क्या किया मैंने, मैंने लिखा कि इफ टेम्प इज नन, अगर मेरा टेम्प नन है तो वो क्या करे, सिंपली कुछ भी नहीं होगा। ये भी कंडीशन हो सकती है, मैं बस हेड ही नन पड़ा हो तो मैं स्टार्ट से डिलीट करवा लूं तो वो कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा टेम्प अगर मेरा नन नहीं है, ये मेरे टेम्प जो, क्योंकि अभी मैंने हेड को टेम्प पे स्टोर करवा दिया, मेरा टेम्प भी वही है और हेड भी वही है, दोनों चीजें सेम हो चुकी हैं। यहाँ पर क्या होगा, अब ये दोनों सेम है तो टेम्प के अंदर अभी मेरी दूसरी सिनेरियो ये है कि इसके अंदर कुछ वैल्यू पड़ी हुई, क्या करेगा, इफ टेम्प डॉट डाटा इक्वल टू की, आई थिंक जी मैंने ना कोड को गलत कर दी है। यहाँ पर सिंपल पता क्या होगा, जस्ट ने ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा जो नेक्स्ट नोड होगी आई गेस उसका, फिर सॉरी आप ना ये आई थिंक ये मैंने कोड ना यहाँ पर गलत लिख दिया हुआ, इसको आप इग्नोर कर दें, मैं सिंपली आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मैंने क्या यहाँ पे करने जा रहा हूँ कि मैंने क्या किया है, सिंपली जब स्टार्ट से डिलीट करना चाहूंगा ना मैं, तो मैं सिंपली ये कोड से हम कर सकते हैं, हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, हमें जस्ट एक लाइन की जरूरत है। क्या होगा, ये टेम्परेरी की जरूरत भी नहीं है, हेड को मैं हेड डॉट नेक्स्ट के ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा, हेड में मेरे पास 129 स्टोर था और हेड का ये क्या होता है, हेड के अंदर मेरे पास पहले क्या स्टोर था, 129 स्टोर। अब मैं जब हेड डॉट ये टेम्परेरी को भूल जाए, यहाँ पे ये गलत हो गया, हेड के अंदर ये स्टोर था, अब क्या होगा, जब मैंने हेड को हेड डॉट नेक्स्ट किया है तो फिर क्या होगा, हेड में क्या स्टोर होगा, और इसका लिंक खत्म हो जाएगा तो हमारे पास ये ना स्टार्ट से डिलीट हो जाएगी। ठीक जी, ठीक हो गया। अगर हेड नल होगा तो ये मैंने लिखा हुआ कि ये ना कोड में, अगर हेड नल होगा तो हम सिंपली रिटर्न करवा देंगे प्रिंट करवा के कि हमारे पास लिंक लिस्ट में कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। ये स्टार्ट से था, अभी ना एट द एंड हमने डिलीट करना, तो उसके लिए क्या होगा, एट द एंड हमने डिलीट करना, सबसे पहले मैंने ना टेम्प के अंदर स्टोर करवा दिया, हेड को प्रिजर्व करवाने के लिए टेम्प को यूज किया है, तो क्या होगा, उसके लिए ना मैंने पीछे वाली को प्रिजर्व करना है और आगे वाली मुझे चाहिए, तो क्या होगा, सबसे पहले मैं आइटरेशन करवा रहा हूँ कि व्हाइल टेम्प इज नन नॉट नन, कि जब तक टेम्प मेरा नन नहीं है तो क्या वो आइटरेट करवाता जाएगा ना, जब मैं नहीं लूप चलेगा यहाँ पे आता जाएगा, ऐसे यहाँ पे आता जाएगा वो ना, एट द एंड क्या होगा, मैंने कहा कि प्रीवियस इक्वल टू टेम्प, मैं पीछे वाले को प्रीवियस रखता जा रहा हूँ, ये मेरा पीछे वाला जो होगा इसको मैं प्रीवियस रखता जा रहा हूँ, और जो आगे होगा मैं टेम्प को आगे लेके चलता जा रहा हूँ, ये मेरा प्रीवियस लो पॉइंटर है एंड जो टेम्प है ये मेरा फास्ट पॉइंटर है। अगर टेम्प मेरा 3 पे होगा तो प्रीवियस मेरा 2 के ऊपर होगा, n माइनस 1 टाइम ये पीछे होगा मेरा प्रीवियस टेम्प से, तो क्या होगा, एट द एंड आ चुका है, तो मैं सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो मेरा प्रीवियस होगा प्रीवियस के नेक्स्ट को मैं नल कर दूंगा, मेरा प्रीवियस यहाँ पे नोड 3 के ऊपर है तो मैं इसके जो नेक्स्ट को नल करूंगा, यहाँ पर जो 975 नोड 4 का एड्रेस पड़ा हुआ था वो तो यहाँ से गायब हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा इसके साथ कनेक्शन टूट जाएगा, तुम्हारी एंड से डिलीट हो जाएगी।
हमारा कनेक्शन जस्ट यहाँ पर इतना ही रह जाएगा। ये क्लियर है आपको? सर ये तो एक्सप्लेन कर दें एक दफा दोबारा। मैं दोबारा कर देता हूँ। यहाँ पर यह कि डिलीट एट एंड, सबसे पहले आपको ये तो क्लियर होगा कि हमने एंड पे जाने के लिए आइटरेट करवा रहे हैं, आइटरेशन करवा के आएंगे तो फिर ये होगा। सेकंड यहाँ पर ना मैंने दो पॉइंटर यूज किए हैं, एक प्रीवियस यूज कर रहा हूँ नाम से और एक टेम्प के नाम से जो एक्स्ट्रा यूज कर रहा हूँ। पहले मैं टेम्प यूज करता था, यहाँ पर ना टेम्प हमारे पास एक फास्ट पॉइंटर है, ये आगे आगे होगा, और जो प्रीवियस है मेरे पास एक स्लो पॉइंटर का नाम है। इसे सिंपल कहते हैं स्लो और फास्ट पॉइंटर, ये स्लो है। अब ये दोनों के अंदर जितना भी फासला होगा वो कितना होगा, अगर टेम्प मेरे पास एन के ऊपर है, जो मेरे पास जो प्रीवियस होगा वो एन माइनस वन के ऊपर होगा। इसके आपको समझ आए कि एन और एन माइनस में क्या डिफरेंस होगा। अगर मेरा टेम्प फोर पे है तो जो मेरा प्रीवियस होगा वो नोड थ्री के ऊपर होगा। जी सर ये क्लियर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसी चीज को मैं इंप्लीमेंट करवाने के लिए कर रहा हूँ। जब टेम्प आगे चला जाए, मैं जब टेम्प को आगे वाली नोड के ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो मैं जो पहला टेम्प था उसको प्रीवियस में स्टोर करवाता जा रहा हूँ। जैसे ये मैंने किया हुआ है कि मैंने कि टेम्प इक्वल टू प्रीवियस, प्रीवियस के अंदर टेम्प को स्टोर करवा दिया और टेम्प को मैं आगे ले गया हूँ। ये एन और एन माइनस आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पे कि ये मेरा फास्ट स्लो गया। अभी ये मैंने कि मेरे पास जो नोड फोर के ऊपर टेम्प पड़ा हुआ है तो प्रीवियस मेरा नोड थ्री के ऊपर होगा कि नोड टू के ऊपर होगा। प्रीवियस नोड थ्री पे होगा, नोड टू पे होगा, नोड वन पे, जब टेम्प मेरा फोर नोड फोर पे है तो नोड थ्री पे होगा, एन माइनस वन है ना तो थ्री पे होगा। बिल्कुल, तो उससे लास्ट वाली नोड पे मरा होगा। यही है कि प्रीवियस मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ, अगर आप ये देखें ये एड्रेस भी लिखे हुए हैं, सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, तो टेम्प भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। अभी मैंने क्या किया, प्रीवियस का जो नेक्स्ट है उसको मैंने नल कर दिया है, प्रीवियस के नेक्स्ट को मैंने नल कर दिया है, यहाँ पर मैंने नल रख दिया है। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, अब जो नोड इसको थ्री तब करना है ना जब हमारा टेम्प मतलब लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गए, यानी कि उसमें नल वैल्यू आ गई है, तब हमने उसको नल करना है ना प्रीवियस को। बिल्कुल, ये कंडीशन देखें, ये तब तक काम करेगा जब तक नल नहीं होगा। जब वो उसको नल मिल जाएगा तो वो देगा लूप को, तब हमारा प्रीवियस उससे लास्ट नोड पे होगा, टेम्प हमारा यहाँ पर आ चुका होगा। जी सर बिल्कुल। तो हम जो क्या करेंगे, प्रीवियस का नेक्स्ट हम नल कर देंगे, तो इसके साथ हमारा कनेक्शन खत्म हो जाएगा इस नोड का, तो हम ये डिलीट हो जाएगी। जी सर, प्रीवियस पॉइंटर की क्यों जरूरत पड़ी है, प्रीवियस पॉइंटर की जरूरत क्यों पड़ी? अब हम ना अब सिंपल मैं आपको इसकी रियल लाइफ एग्जांपल दूं कि हम ना किसी जगह पर ना जाना चाहते हैं कि मेरी ना वो एक एग्जांपल देता हूं आपको सिंपल कि मैंने ना जाना चाहता हूं यहां से ना श्रीलंका, श्रीलंका नहीं, यहां से ना मैं कहीं ना कौन सा मुल्क शहर कहूँ, यहां से ना मैं जाना चाहता हूं कराची। ठीक है, लेकिन अब ना मेरे पास ये पता है मुझे कि ये फाइंड मुझे ये पता है कि यहां से कराची जाना, नारवर से मैं कराची जाना चाहता हूं, लेकिन मैंने किसी और को ये भी बताना है कि कराची के पीछे क्या आ रहा है। आई थिंक ये मैं ना पजल कर रहा हूँ खुद को, सॉरी फॉर दिस थिंग। सही बता रहे हैं आपके ना, आप सही बता रहा हूँ, वही है, सही है। अच्छा अच्छा अब्दुल हक सिंपली ये देखें कि ये वन है, ये टू है, ये थ्री है। ठीक है, अब आप ना यहां से ना एट द एंड जाना चाहते हैं, आपको मैं कहता हूँ कि आपने वन से थ्री तक का सफर तय करना है, लेकिन आपने मुझे ये भी बताना है कि थ्री के पीछे क्या है। तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ से यहाँ पर जा रहा हूँ, ये भी मैं लैंडिंग पॉइंट हो सकता है, मैं पीछे वाले को प्रिजर्व कर रहा हूँ, इसको मैं प्रिजर्व कर रहा हूँ प्रीवियस के नाम देके, और मैं करंटली खुद यहाँ पे हूँ। अब मेरे पास इससे पीछे वाले की इंफॉर्मेशन भी है, इससे इसकी भी इंफॉर्मेशन है, इससे पीछे वाले की भी। जब मैं टू से थ्री के ऊपर जाऊंगा तो मैं मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन होगी और इसे पीछे वाले की इसकी होगी इंफॉर्मेशन, इसको मैं भूल जाऊंगा क्योंकि अभी इसके साथ मेरा काम ही नहीं है। मैंने जस्ट एक वन स्टेप माइनस की इंफॉर्मेशन रखनी है, टू स्टेप माइनस की इंफॉर्मेशन ही रखनी, तो इसके लिए मैंने प्रीवियस का यूज किया है। जब मैं एट द एंड पे डिलीट करवाना चाहता हूँ तो मैंने जो उससे जो प्रीवियस होगी उस तक अपनी लिंक लिस्ट को खत्म करूंगा तो मेरे एट द एंड खत्म हो जाएगी। सही है जी। काशिद वो टाइम थोड़ा कम है ना, तो आप मैम ये हमारा लास्ट स्लाइड है हमारे पास,
जी, और फिर आप ना एक क्विक सा रिवीजन करके फिर आप सेशन एंड करिएगा, ठीक है? ठीक है ठीक है, कुछ ठीक है। अभी ना हमारे पास डेलीगेटेड एनिंगम देखते हैं क्या है जी, कोड लिखा हुआ इसका कि व्हाइल टेंप इज नॉट नन, सबसे पहले ये हम कंडीशन लगा लिए कि हमने तब तक यूज करते हैं कि व्हाइल टेंप इज नॉट नन, ठीक है। हमारा टेंप नन नहीं है, यहाँ पे मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया हुआ है, ये जैसे मैंने ये लिया हुआ है आइटरेशन करवाने के लिए, मैंने इसको ना की दे दिया कि जो मेरा थ्री है ना उसको मैंने, जो थर्ड मेरे पास नोड होगी ना थर्ड होगा उसको मैंने डिलीट करवाना है, जिस नोड थ्री को इसको मैं डिलीट करवाना चाहता हूँ, ये मैंने की दी हुई है इसको। इफ टेम्प डॉट डाटा एक डबल इक्वल टू की, कि मेरे पास जो टेम्प डॉट डाटा है वो की इक्वल है, ये भी हो सकता है ये थ्री मेरा सबसे पहले आ जाए, जब मेरा थ्री सबसे पहले आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा टेम्प इक्वल टू नन कर दूंगा, तो क्या होगा जब मैं टेम्प इक्वल टू नन कर दूंगा तो मेरा हर चीज से रिलेशन ही खत्म हो जाएगा, सिंपल मेरे पास ये हेड ही पड़ा होगा उसके अंदर नन स्टोर होगा, ये चीज क्लियर है। अगर यहां पर जब ब्रेक होगा तो डायरेक्टली ये चीज रन हो जाएगी। जी ठीक है ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मैं कहता हूँ ये कंडीशन हर दफा फॉल्स हो रही है, टेम्प इज नॉट नन, तो क्या करें, प्रीवियस इक्वल टू टेम्प, फिर वही मैं काम कर रहा हूँ, एक स्लो पॉइंटर ले रहा हूँ एक फॉर पॉइंटर ले रहा हूँ, अब मैंने जब इन दोनों का कनेक्शन खत्म करवाना तो वैसे पीछे वाले का रिजल्ट भी स्टोर करवाना होगा, अब मैंने नोड थ्री के ऊपर जाना है, जब ये कंपाइल हो जाएगा तो क्या होगा, मेरा टेम्प यहाँ पे पड़ा हुआ है और जो मेरा प्रीवियस है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्या होगा, अब मैंने फिर वही करवाना है, मैंने कहना है कि नोड टू का कनेक्शन मैंने करवाना है नोड फोर के साथ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा कि नोड टू को मैंने नोड फोर से कनेक्शन करवाना है, तो मुझे नोड थ्री का कनेक्शन नोड फोर के साथ भी और नोड टू के साथ भी खत्म करना पड़ेगा, तो हम देखते हैं वो कैसे खत्म करेंगे, कि अभी मैं यहाँ के ऊपर आया हूँ कि मेरा प्रीवियस नोड टू के ऊपर है और जो मेरा टेम्प है वो नोड थ्री के ऊपर है, अभी ना यहाँ पर हमें ना डाटा की मिल चुकी है, तो ये क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे इफ कंडीशन से मुझे बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये चीज जहाँ पे आ जाएगी हमारी, चेक करके इफ टेम्प इक्वल टू नन तो वो रिटर्न करवा देगा, लेकिन यहाँ पर जो हमारा टेम्प है वो नन नहीं है, ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो जाएगी। अब आगे प्रीवियस क्या होगा, अब ये दो लाइन का ये लाइन कंपाइल होगी, प्रीवियस के नेक्स्ट में मैंने टेम्प का नेक्स्ट को स्टोर करवा दिया, ये मेरे पास प्रीवियस का नेक्स्ट ये है, इसके अंदर मैंने टेम्प का नेक्स्ट स्टोर करवा दिया, टेम्प का नेक्स्ट ये है ना 975, इसको मैंने नोड टू के अंदर इस नेक्स्ट में स्टोर करवा दिया, अब यहाँ पर मेरे पास 975 आ चुका है, तो अब क्या होगा, ये कनेक्शन बिल्ट होगा कि नहीं होगा इन दोनों का, जब मैंने फोर का एड्रेस पीछे वाले में स्टोर करवा दूंगा और इसका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, और मैंने अभी ये देखें कि जब मैं ये करवाऊंगा कि फोर का कनेक्शन मेरा इस नोड टू के साथ भी है और फोर का कनेक्शन मेरा नोड थ्री के साथ भी है अभी, तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास ये टेम्प था इसके नेक्स्ट को मैंने नन कर दिया, जब मैं टेम्प को नन कर दूंगा तो क्या होगा, नोड थ्री का कनेक्शन नोड फोर के साथ खत्म हो जाएगा, तो मेरा नोड टू का नोड फोर के साथ डायरेक्टली कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं सर, बिल्कुल समझ आ गई है ये तो। जी सर क्लियर है यहाँ तो। चलिए ठीक है, आई थिंक अब्दुल्लाह ने भी कोई ये भेजा है, अब्दुल्लाह ये ना सिंपल एक वो सिनेरियो के लिए है, आपने आई थिंक भेजा हुआ कि टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, चलिए इसको हम सिनेरियो को देखते हैं, आई थिंक मुझे नहीं क्लियर। अच्छा ठीक है, हमने सिंपली के इसके ना ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पे कि हमने आज क्या क्या एक्सप्लेन किया और क्या कुछ किया हमने। ठीक है, सबसे पहले हमने नोड को देखा कि नोड हमारे पास क्या है, यहाँ पे डिफाइन किया कि दो पार्ट होते हैं, डाटा पार्ट एक एड्रेस पार्ट है, फिर हम दोनों को जब एक साथ लेके आते हैं तो हमारे पास एक नोड क्रिएट हो जाती है। हमने डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर की टाइप देखी, यहाँ पर लिंक लिस्ट स्टैक एंड क्यू को देखा, क्यू हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है हमारे पास, जो स्टैक है लास्ट इन फर्स्ट आउट होती है हमारे पास, एंड लिंक लिस्ट होती है कि डिफरेंट नोड हमारे पास कनेक्टेड है यहाँ पे, एंड सेकंडली हमें पता कि डायनेमिक है। हमने ये मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ तो जस्ट ओवरव्यू के लिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप ना स्लैक पे पूछ सकते हैं या चैट में भी पूछ लें जल्दी से। व्हाई वी नीड लिंक लिस्ट, हमने देखा कि अरेज और लिस्ट के अंदर क्या चीज थी कि हमें लिंक लिस्ट की जरूरत पड़ी, हमने देखा कि कुछ वो फास्ट नहीं थी, और सेकंडली स्पेस के लिए हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था लिस्ट को, अरे के अंदर हम सेम टाइप का डाटा स्टोर करवा सकते, इस चीज के लिए हमने लिंक लिस्ट को यूज कर सकते हैं।
मेथड देखिए हमने सिक्स देखिए, डिलीट और इंसर्ट, डिलीट को देखा, फ्रंट एंड एनी, इंसर्ट को भी फ्रंट एंड एंड एनी पे देखा. फ्रंट इंसर्ट फ्रंट पे करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल हेड को हम न्यू नोड के साथ कनेक्ट कर देंगे और ये हमारे पास कनेक्ट हो जाएगी. इंसर्ट एट एंड करने के लिए हम जाएंगे इसके ऊपर आइटरेट करवाते जाएंगे, एट द एंड जाके हम टेम्प को यूज करेंगे यहाँ पे हेड को प्रिजर्व करने के लिए. इसके दो स्टैंडियो देखे कि अगर वो हेड नल है हमारा या हेड के अंदर कुछ डाटा पड़ा हुआ है, दोनों स्टैंडियो देखे हमने, तो एट द एंड हम इसको दोनों से देखकर कैसे स्टोर करवा रहे हैं डाटा. इंसर्ट एट एनी भी हमने देखा कि हमने किसी एक पार्टिकुलर नोड के ऊपर नोड के बाद डाटा को स्टोर करवाना, तो वो कैसे करवा रहे हैं कि हम नोड टू का एड्रेस दिया होगा, इसकी दो स्टैंडियो देखिए. ये भी हो सकता है हमारे पास ये प्रीवियस नोड दी ही ना हो, तो उसके लिए हमने देखा कि हम क्या करेंगे. एंड सेकंडली हमने देखा कि नोड टू दी हुई है तो उसके लिए हम क्या काम करने जा रहे हैं. हमने ये देखा कि हम स्टार से कैसे डिलीट करेंगे कि सिंपली हम हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट कर देंगे तो हमारा हेड 1.1 नोड नेक्स्ट मूव हो जाएगा तो हमारा डिलीट हो जाएगी वहां से. डिलीट एट एंड करने के लिए हमने हर एक के ऊपर आइटरेट करवाएंगे और लास्ट वन को आगे हमने डिलीट करवा देंगे उससे प्रीवियस के साथ, प्रीवियस को नन कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर डिलीट हो जाएगी. डिलीट एट एनी हमने लास्ट एट द एंड हमने देखा कि एनी भी हम कर रहे हैं कि हमें कोई नोड गिवन नोड है की इक्वल टू 3 दिया हुआ है तो हम वहां पर जाके हम वही काम करेंगे कि हम जो होगा ना पीछे वाले नोड उसको उस नोड के नेक्स्ट के साथ जोड़ देंगे, उस नोड के नेक्स्ट के साथ जोड़ देंगे और जो टेम्प होगी जो नोड हमारे पास दरमियान में जाएगी उसको हम नन कर देंगे ताकि नोड 4 के साथ उसका कनेक्शन भी खत्म हो जाए. ये थी जी प्रेजेंटेशन थी. इसमें किसी किस्म का किसी को क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं, जल्दी से पूछ रहे हैं. नहीं जी सारे मतलब पूरा टॉपिक क्लियर हो गया और आई होप हम इसके अब कल क्वेश्चन करना शुरू करेंगे. जी इसके लिए ये है कि अगर कल कोई आप में से ना कोई जहाँ से क्वेश्चन को कुछ प्रिपेयर करके आए होप सो के पार्टिसिपेंट्स में कोई क्वेश्चन करवाए होप सो. जी सर वो सिलेक्ट चैनल के ऊपर जो हमारी एक्सेल फाइल है उसमें भी अपडेट कर दें अगर कोई कल प्रेजेंट करना चाहता है तो जी, सब लोग को क्वेश्चंस प्रिपेयर करके उस एक्सेल फाइल के अंदर अपडेट कर दें कि वो कौन सा क्वेश्चंस प्रेजेंट करें. अब्दुल्ला का क्वेश्चन है कि डिलीटेड एनी भी प्रीवियस के बगैर हो जाएगा. अब्दुल्ला एक काम करने को कोई एक तरीका नहीं होता, अब हम बहुत से तरीकों से वो